आपदा में अवसर, ये चरितार्थ कर दिया इस सरकार ने। मैं इस सरकार का नाम देता हूं आपदा में अवसर सरकार। ये आपदा में जिस तरह से अवसर खोज रही है और दिन ब दिन जो इनके चेहरे सामने आ रहे हैं, आप अखबार खोलो तो दो ही तरह की न्यूज आती है, या तो कोविड की त्रासदी से पूरा देश, शहर, गांव, छोटे कस्बों किस तरह गंगा मैया में, यमुना जी में किस तरह शव फ्लोट कर रहे हैं, या दूसरी खबर आती है कि आज कितने पैसों से पेट्रोल और डीजल बढ़ गया। तीसरी कोई खबर नहीं है। और तीसरी एक खबर आती है कि सरकार अपने मंत्रियों को प्रशिक्षण दे रही कि किस तरह पॉजिटिविटी का प्रसार करना है। माननीय, ऐसा प्रशिक्षण, इसका आधा भी प्रशिक्षण आपने अपने मंत्रियों को दे दिया होता कि कोविड की लड़ाई कैसे लड़नी है, तो आज जिस तरह से रोज हम न्यूज़पेपर्स या टीवी में देखते हैं कि 4,000 से अधिक लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, 3,500 से अधिक लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, फलाना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद आप इतने 100 से अधिक लोग ने अपने प्राण त्याग दिए, यही खबरें आ रही है और कोई खबर आज के समय में हमें नहीं मिल रही है। तो दो तरह की चीजें, या तो ऑक्सीजन की कमी की खबर आती है, या रेमडेसिविर की कमी की खबर आती है, या वेंटिलेटर किसी को नहीं मिल रहा है, और दूसरी खबर ये आती है कि किस तरह सरकार डमी वेबसाइट्स, फर्जी वेबसाइट, एक समान नाम की वेबसाइट्स बना के उसमें किस तरह से आर्टिकल छपवा के ये बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी नहीं हो रहा, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये दो तरह की न्यूज आज चल रही है। पर हमने आज ये पता लगाने का प्रयास किया है कि जिस तरह से जीएसटी, और साथियों मुझे अचंभा आता है, मैं आपको एक टेबल दूंगा जो मैंने खुद ने बनाई है, 3 दिन से मैं इस पे काम कर रहा हूं, 3 दिन बाद मैंने ये पूरी कैलकुलेशन करी है। वैक्सीन पर, वैक्सीन से जरूरी कोई चीज है क्या जो आज आपने राज्यों को, और प्रणव जी ने सही कहा, 35,000 करोड़ का बजट आवंटन, 1 महीने के बाद बोले आप जानो, आपका काम जाने, आत्मनिर्भर बनिए। वैक्सीन पर 5% की जीएसटी, क्या ये जस्टिफाइड है? रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके ऊपर 12% की जीएसटी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की जीएसटी, वेंटिलेटर्स पर 12% की जीएसटी, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% की जीएसटी, फेस शील्ड और पीपी किट्स पर 18% की जीएसटी, सैनिटाइजर पर 18% की जीएसटी। और हद तो जब हो गई जब मैंने देखा एम्बुलेंस, जिसकी की शॉर्टेज है आज देश में, उसके ऊपर 28% की जीएसटी। ये आपदा में अवसर सरकार, ऐसा इतने बेरहम ना बनो। पॉजिटिविटी का प्रसार करने की बात करते हो आप, पर यहाँ पे जीएसटी आपने जो लगा रखी है, लोगों की जेब से लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के परिवार में सदस्यों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, लोगों को कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, और आप एम्बुलेंस का 28% जीएसटी लेते हो। ये क्या बेरहमी है? ऐसा क्या पाप किया हिंदुस्तान के लोगों ने आपके ऊपर अपना विश्वास जता के? मुझे लगता है ये चरितार्थ कर दिया आपने कि आप आपदा में अवसर सरकार हो। आप सिर्फ अपना अवसर देखते हो, लोग किस कष्ट से जूझ रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचते हो। साथियों, मैंने सिर्फ 3 गणना करी, वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इन तीनों पर अगर जीएसटी हटा दी जाए तो आम लोगों को, हिंदुस्तान के आप जैसे, मेरे जैसे करोड़ों लोगों को 6,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। More than 6,000 rupees of relief will be there if we exempt only 3 items, remdesivir, oxygen concentrator and vaccine from GST. Is it not justified to exempt them? And from the same 6,000 crore, friends, I had done one calculation that from the same 6,000 crore, we can buy 12 lakh oxygen concentrators. 12 lakh कंसंट्रेटर खरीदे जा सकते हैं 6,000 करोड़ की बचत से। उस 6,000 करोड़ की बचत से
120,000 नए वेंटिलेटर अस्पतालों में स्थापित किए जा सकते हैं, और फर्जी वेंटिलेटर नहीं, जिसकी खबरें आए दिन आती है कि पीएम केयर के वेंटिलेटर डॉक्टर हाथ छूने से परहेज करते हैं, मरीज उसके ऊपर जाने से परहेज करते हैं, वो सब जंक यार्ड में पड़ रहे हैं। मैं सही वेंटिलेटर्स की बात कर रहा हूँ। इस 6,000 करोड़ से 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा सकती है। इस 6,000 करोड़ से एम्स जैसे 6 नए अस्पताल खोले जा सकते हैं। आपदा में अवसर सरकार ने एक भी अवसर नहीं गंवाया। इस आपदा में जब आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जूझ रहा है, उससे जीएसटी ले रहे हो आप 28%, 18%, 12%, 5% की दरों से।